नमस्कार, आप सुन रहे हैं रफ्तार और हम हाजिर हैं शाम की 10 बड़ी खबरों के साथ। हाथरस भगदड़ में बड़ा एक्शन, आयोजन समिति के 6 लोग गिरफ्तार। गुजरात के 50 से ज्यादा नीट यूजी परीक्षार्थी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 5 मई की परीक्षा रद्द न करने का निर्देश देने की उठाई मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर भारतीय क्रिकेट टीम से की मुलाकात। हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर पुलिस ने रखा 1,00,000 का इनाम। झारखंड में लड़कियों को झांसा देकर ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधी गिरिडीह से गिरफ्तार। ब्रिटेन चुनाव में खालिस्तान की एंट्री, विवादित सिख घोषणा पत्र का समर्थन कर घिरे उम्मीदवार। भारत में टैंक फाड़ने वाले गोले बना रहा रूस, मोदी के दौरे से पहले पुतिन ने दी बड़ी सौगात। शेयर बाजार में मजबूत क्लोजिंग, सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार बंद हुआ, निफ्टी 24,300 पार। दीपिका पादुकोण प्रेगनेंसी में कर रही है सेल्फ केयर, एक्ट्रेस ने बेबी बंप के साथ किया योगा। बिग बॉस ओटीटी 3 शो में खत्म हुआ पोलोमी दास का सफर, बृष्टि समदार बनेगी पहली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। तो ये थी शाम की 10 बड़ी खबर।